लाइफ सक्सेस क्या है? हम हाथी की तरफ ना, हाथी की कहानी अपने सुनाओगे? जैसे कोई एक पैर पकड़ लेता है, कोई कान पकड़ लेता है, बोलते हैं ये फैन है या ये पिलर है। एग्जैक्टली यू नो जो उसको पकड़ लेता है बोलता है ये मेरा सक्सेस है। लेकिन एक्चुअल सक्सेस होता क्या है? बहुत लोग समझते हैं कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, लेकिन कुछ जगह पे वो नहीं होता है, यू नो कहीं ना कहीं वो रह जाता है, कुछ कमियां रह जाते हैं। तो आज देखते हैं कि एग्जैक्टली सक्सेस होगा तो आपको क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, तभी आप सक्सेस उसको मान सकते हैं। सक्सेस चेकलिस्ट देखते हैं। पहला, सक्सेस बोलते हैं एक चीज़ तो याद आएगा ही, एक चाहिए चाहिए, वो है वेल्थ। मनी के बिना कुछ नहीं होता है। हर चीज़ के लिए मनी, पैसा चाहिए, राइट? आपको रहना, खाना पीना, यू नो दोस्तों को कुछ कुछ करना, फैमिली, हर जगह पर पैसा चाहिए। लेकिन हमें कल्चर बोलो आप, पैसा, जनरली पैसे के पीछे भागना नहीं है, प्यार मोहब्बत रहना चाहिए, ये सब बता बता के हमें ऐसा बताया गया कि पैसे वाले से नफरत करते हैं। अगर कोई पैसा वाला है, पैसा बहुत है, तो बोलते हैं दो नंबर धंधा क्या होगा, या अचानक हो गया, लक से हो गया, ऐसा बहुत सारी चीज़ समझते हैं। एनीवे पॉइंट वो नहीं है, लेकिन सक्सेस किसको माना जाता है? जो जिसके पास वेल्थ है, मतलब पैसा है, मस्त है, तो उसको बोलते हैं सक्सेस। तो ये होना ही चाहिए। और इसमें बहुत सारे अंदर हम लोग देखेंगे, इसमें पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम, और लोग पैसा बनाने के चक्कर में बहुत पैसा खो देते हैं ना। बिजनेस करते हैं, आप सबको पता होगा 95% बिजनेस 3 से 5 साल के बीच में ख़त्म हो जाता है, खाली 5% लोग जीते हैं। तो वो सब कैसा है? या पैसिव इनकम, जहाँ पे एक पैसा ऐसा सेट करके रखते हैं, या कंपनी ऐसा सेट करते हैं, या कुछ ऐसा धंधा बिजनेस कुछ ऐसा सेट करते हैं जैसे उनको रेगुलर इनकम आता है, और स्केलेबल बोलते हैं, एक ही काम करते हैं उसे हमेशा के लिए पैसा आता है और बहुत सारे पैसा आता है बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए। मेहनत मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आपकी समय न देते हुए, राइट? ऐसा बहुत सारी चीज़ें। तो वेल्थ के बारे में देखते हैं। तो वेल्थ में ये सब चीज़ होता है, इसके अंदर डिटेल में हम लोग जाएंगे आगे के सेशंस में, लेकिन वेल्थ जरूरी है, वेल्थ के बिना सक्सेस कोई मान्य नहीं रखता है, राइट? ओके, चलते हैं। वेल्थ है, ठीक है, सक्सेस हो गया। कुछ लोग पैसा 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 है, मैं सक्सेस हो गया, बहुत कामयाब हो गया, नहीं है। ओके, उतना सिर्फ वेल्थ होने से कोई कामयाब नहीं होता। सेकंड देखते हैं, हेल्थ चाहिए। लोग समझते हैं कि यू नो पैसा होने से सब कुछ होएगा, नहीं, क्योंकि आपके पास पैसा हो सब कुछ है, लेकिन उसको एंजॉय करने के लिए आपके पास हेल्थ होना ज़रूरी है। ओके, आपने सुना होगा 40 साल 50 साल हम लोग भागते रहते हैं पैसा पैसा पैसा। ओके, जब 40 साल हो जाएगा, पैसा बहुत आ जाएगा, घर भी सेटल हो गया, उसके बाद बीमारी के पीछे हम लोग भागते हैं, उसको दूर करने में, वो सब करने में। समझदार आदमी वही है कि जो जवानी से ही अपना हेल्थ का ध्यान रखें और पैसे का भी ध्यान रखें। और हेल्थ इतना इम्पोर्टेंट है, आप बहुत सारे चीफ मिनिस्टर की स्टोरीज़ में, आपको नाम वगैरह नहीं बताऊंगा, उनके हाथ दिखाने से करोड़ों लोग उनकी बात मानते हैं, राइट? लेकिन अगर वो हेल्दी नहीं है, ठीक है, ये करोड़ों लोग, करोड़ों रुपया कुछ काम का नहीं है, क्योंकि हेल्थ नहीं है तो आप कब ख़त्म हो जाओगे, खाली पैसा रह जाएगा, आप गायब हो जाओगे, पता नहीं। बोलते हैं कि नो बडी कैन डू पुशअप फॉर यू, आपका जो व्यायाम करना है या एक्सरसाइज करना है, बाकी दुनिया पैसे से आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ये जो चीज़ है सिर्फ आपको ही करना पड़ेगा और कोई नहीं कर सकता। तो जो सक्सेसफुल है उनका हेल्थ भी बढ़िया होना चाहिए, राइट? मस्त दिखना चाहिए, यू नो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर्स, हेल्थ, यू नो अंदर से बाहर से फिट, ये होना ज़रूरी है हेल्थ के लिए, करेक्ट? ओके, चलते हैं नेक्स्ट। क्या है, क्या सिर्फ हेल्थ बढ़िया है और पैसा बहुत है इसमें से सक्सेस माना जाएगा? नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, लव, राइट? हर एक, देखिए हम लोग पैदा हुए हैं लव से ही, राइट? हमारा ओरिजिन ही लव है, लेकिन ये लव से दूर रखा जाता है, लेकिन पीछे पीछे सब कुछ होता ही है, लेकिन हम लोग बाहर से ही दिखाते नहीं, राइट? द पॉइंट इज़ यू नो आपके लिए भी कोई एक ऐसा होना चाहिए जो ट्रस्ट है, क्रेडिबल है, आप भरोसा कर सकते हैं, यू नो हमेशा के लिए। लव तो कोई भी जानवर कर सकता है, लव तो सबको आता है, यू नो प्यार आता है, लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूँ कमिटमेंट, यू नो एक बार आपने अच्छी तरह से जान ली और आपने प्यार करना चालू किया और ज़िंदगी भर उसका कमिटमेंट होता है कि मैं कभी भी इसको छोड़ूंगा नहीं या फिर इनके साथ ही रहना है, उस तरह का एक कमिटमेंट होता ना, तो वो प्यार को संभाल लेता है।
प्यार जो है आएगा जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो कमिटमेंट आप करते हो कि ज़िंदगी भर मुझे इसके साथ ही रहना है या इनके साथ ही रहना है, उसको कहा जाता है लव, राइट है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले करता है हर एक ज़िंदगी में, क्योंकि आदमी ये लव मिलता तो समझता है कि मैं बहुत कुछ मिल गया। गरीब लोग बच्चे पैदा करते रहते हैं, खुश रहते हैं, उनका एक ही सुख है ये लव, राइट, क्योंकि बाकी सब मिला नहीं मिला उनको ये मिलता है, राइट, इसकी वजह से वो खुश रहते हैं। तो कहीं ना कहीं सक्सेस ये भी खुश कर देता है आदमी। अब प्यार के लिए कितना छोड़ देते हैं, राइट, ज़िंदगी, पैसा, बहुत सारी चीज़ छोड़ते हैं, क्योंकि इतना पावरफुल है। तो सक्सेसफुल होने के लिए पैसे की ज़रूरत है, उसके बाद हेल्थ तगड़ा होना चाहिए, उसके बाद प्यार की ज़रूरत है, राइट। दैट्स वन, इतना ही बस हो गया? और भी है, रिलेशनशिप, लोगों से कैसे फ्रेंडशिप, मतलब रिलेशनशिप में टर्म्स, मतलब आपके बाजू वाले, आपके घर के बाजू वाले, आपके सोसाइटी मेंबर्स, आपके गांव वाले हैं, आपकी जो ऑफिस कलीग्स है, बॉस है, आप जितना भी आपके आमने सामने जहाँ पे भी आप डीलिंग करते हैं, वेंडर्स है, आपकी बिजनेसमैन हैं, आप आपकी क्लाइंट्स हैं, ये सब जगह पे किस तरह का रिलेशन रखते हो, ये बहुत मायने रखता है सक्सेसफुल का। आदमी कड़ूस है, पैसा बहुत है, सब कुछ है, लेकिन उसको कोई सक्सेसफुल मानता नहीं है। साला एक कोड़े का आदमी, उसको अक्ल नहीं है, बात करने का तमीज़ नहीं है, दोस्ती क्या होता है पता नहीं है इसको, इतना सेल्फिश है, उनको कोई सक्सेस गिनती में लेता ही नहीं है, भले आप कितना भी सब कुछ आपके पास हो। और सेकंड, रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए बहुत सारे बिजनेस रन करने के लिए, प्यार, लव, वेल्थ रहने के लिए, रिलेशनशिप को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। रिचर्ड ब्रांसन बोलते हैं कि आपकी जो एम्प्लॉयज़ को ऐसा डबल टाइम ट्रेन करो कि वो कॉम्पिटिटर उनको दो टू टाइम्स पगार देने के लिए तैयार हो जाओ, आप उनकी जो पगार है उससे डबल देने के लिए तैयार हो जाओ, तभी उसके बाद भी आपके एम्प्लॉय आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? आपकी रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई पैसे के पीछे नहीं भागेगा, लेकिन आपकी जो दोस्ती है, आपकी रिलेशनशिप है, उसके लिए आपके साथ रहेंगे। आप हर कंपनी, हर जितना भी आप देखेंगे, वहाँ पे सिर्फ पैसा, पगार से किसी को काम पे नहीं रखा जाता, उनका रिलेशनशिप, उनका ट्रस्ट, उनके साथ में रहना, उनको डेवलप करना, ये सब चीज़ में ध्यान रखते हैं। क्यों? रिलेशन की ज़रूरत है, क्योंकि कंपनी हर चीज़ में उतार चढ़ाव सब होते रहेगा, पैसा आएगा जाएगा, लेकिन जो रिलेशनशिप है वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। कंपनी बिल्डअप करने के लिए ये नहीं बोलते हैं कि आप पैसा बिल्डअप करो या कितना आता जाता है, बोलते हैं कि लोगों को बनाओ, अपना लोगो, टीम बनाओ। यू नो, व्हेन व्हेन यू डेवलप एट पीपल एंड योर कंपनी विल डेवलप, मीन्स क्या है? लोगों के साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए, और हर एक बॉस, एम्प्लॉय, कलीग्स, मैंने जितना भी बताया उनके साथ। तो अगर ये सब चीज़ आपकी अकाउंट्स में नहीं है, तो फिर रिलेशनशिप, ये जो सक्सेस है, कुछ काम का नहीं है। ओके, ख़त्म हो गया? या और भी है, और एक है, और क्या हो सकता है? हम लोग सबको सब कुछ तो आ गया, और क्या बाकी हो सकता है? और एक है, इसके बोलते हैं हैप्पीनेस, राइट। पैसा होने से, प्यार होने से, सब होने से, लेकिन अपने लिए एक समय देना, आप ये सब चीज़ में खुश होते हो क्या? क्या, जैसे मैंने प्यार में बताया, कमिटमेंट, जब आप प्यार करते हो खुश रहते हो, लेकिन आप कमिटमेंट में आते हो खुश नहीं रहते हो, क्योंकि आप कोई पार्टनर, आपकी लवर, मैं लव मतलब सिर्फ शादी करना नहीं बोलता हूँ, लेकिन उसके बाद भी आपके लिए कोई है, यू नो, हर चीज़ आपके लिए तय करने के लिए तैयार, उस तरह की प्यार की बात कर रहा हूँ। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, हैप्पीनेस, आप कमिटमेंट की बात आते हो, तो आपकी पार्टनर हर हर किसी को 100% नहीं मिलता है, या 100% होता ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं कमियाँ होगा, जो होगा, तो आप उसको संभालना पड़ेगा, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, इरिटेशन, टेंशन, प्रॉब्लम, तकलीफें, नो, ये सब संभालना पड़ेगा, ये सब संभालते संभालते, क्योंकि आप कमिटमेंट में आते हो, तो ये सब में आपको टेंशन आएगा। पैसा बनाने में इतना ईजी नहीं है, ओके, लोगों की सब हवा निकल जाती है पैसा बनाने में, या अच्छा पगार लेने में, हार्डवर्क करने में, अच्छा नौकरी लेने में, बहुत सारी तकलीफ़ आती है, वेल्थ में भी, हेल्थ में भी, आप बहुत सारी चीज़ करते हैं, लेकिन हंड एंड में आप खुश है क्या? ओके, कितना भी सक्सेसफुल हो, अब मैं अभी बहुत सारे शॉप ओनर्स, ऐसा बिजनेस बिजनेसमैन, ये सब है, उनका ज़िंदगी बिजनेस करने में चला जाता है, राइट, शॉप खोलने में, बंद करने में 60 साल लग जाता है, सुबह दुकान खोलने का, रात को बंद करने का, और ऐसे करते करते 60 साल हो जाए, ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है, खाली पैसा अकाउंट में रहता है, वो ज़िंदगी में अपने लिए कुछ नहीं किया होगा, राइट, या एक आध दिन जाके घूम के आ गया, 15 दिन जाके आ गया, 5 दिन जाके आ गया, ऐसी खुशियाँ मनाते हैं, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी मिनट, एवरी सेकेंड आप अपना खुशी रखते हो क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कंपनीज इसको बहुत ही डीपली मानते हैं, जैसे कि बोलते हैं कि एम्प्लॉयज़ हैप्पी है तो आपकी जो बिज़नेस है, डायरेक्ट 25% बिज़नेस इंक्रीज़ होगा,
यहाँ पे तो डर डर के काम पे जाते हैं, बॉस क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, उसके बाद क्या होगा, नौकरी बचाना है, ईएमआई भरना है, राइट, कमिटमेंट है, ये सब चक्कर में हैप्पीनेस की ओर जाने से बहुत सारी चीज़ों का। लेकिन पॉइंट यहाँ पे यह है कि हर एक कोई जितना भी कामयाब हो, पैसा हो, फिजिकली फिट हो, लव हो, रिलेशन सब कुछ हो, लेकिन वो खुश है क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने लिए एक समय निकालना, एक दिन बाहर आप चले जाओ, कभी कुछ खाने का मन कर रहा है खा लो, कहीं अकेले जाने का मन कर रहा है जाओ, बीच में जाना है, माउंटेन्स में जाना है, कहीं है, जो भी है पार्टी है, ये हैप्पीनेस के चक्कर में अपना हेल्थ को खोना नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट है। ओके, सो मेरे लिए या मेरे जो भी मेंटर्स गुरु है, ये सब पांचों चीज़ जरूरी है, तभी आपको सक्सेसफुल माना जाता है। सो जस्ट टू रिकैप वंस अगेन, आपकी वेल्थ होना चाहिए, पैसा बनना चाहिए, इसके अंदर एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटे का स्लाइड्स है, उसके डिटेल में जाते हैं हम लोग बाद में, लेकिन हेल्थ, उसके बाद वेल्थ होना जरूरी है, लव होना जरूरी है, रिलेशनशिप होना जरूरी है, लास्ट में आपका हैप्पीनेस होना जरूरी है। ये सब होने के बाद भी, ये होने के बाद ही कंप्लीट हैप्पीनेस होता है। अगर किसी को आप जानते हो सक्सेसफुल है, आप देखिए ये सब चारों पांचों चीज़ है तो खुश है, नहीं तो उसका सक्सेस का कुछ काम नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लूप होल्स है, वो चलने वाला नहीं है, राइट। एनीवे, हैप्पीनेस उतना कंप्लीट नहीं है, डन। ओके, अभी चलते हैं बस इसी से ये, लेकिन ये सब हासिल कैसे होता है, उसके लिए आप अपने आप को कैसे माइंडसेट बनाना है, किस तरह का लाइफ सक्सेस आपको करना है, मैंने उसके लिए आपको माइंडसेट क्या करना पड़ेगा, किस तरह का सोच विचार करना पड़ेगा। मेरा यूट्यूब वीडियोस, मेरा बहुत सारे वीडियोस है, उसमें लोग देख के मुझे कॉल बैक करते हैं, उनको मेरी चीज़, मेरी जो बातें हैं वो अलग ही फील होता है, राइट। हमें इतना बताया गया कि आप ढूंढ ढूंढ के नहीं मिलेगा, आपको किसी को मिला तो अच्छी बात है, गुरु मेंटोर जिस तरह से राह बताना है, कई इधर टूटा फूटा कोई भी फिलॉसफी, ये सब चीज़ में जिंदगी नहीं चल रहा होता, राइट। हर हर बार क्वेश्चंस करना होता है कि ये सही है कि गलत है, राइट। अभी चाणक्य नीति आप पढ़ते हैं, चाणक्य नीति यस, लेकिन वो उस समय का है, आज का चाणक्य नीति से आप बिजनेस कर सकते हो, आज की चाणक्य नीति से कर सकते हो, मैं उनको उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 100% जो चीज़ें आज अप्लीकेबल नहीं होगा। तो जैसे हमारा पुराना फ्रेंड्स वगैरह सब लोग बताते हैं, या अपने बुजुर्ग नाना नानी जो भी बताते हैं, उस चीज़ों को 100% हम लोग ध्यान रख सकते हैं क्या, उसका क्वेश्चन मार्क। हर बार हर सिचुएशन के हिसाब से लाइफ चेंज होते रहते हैं, तो क्वेश्चंस होना जरूरी है। ओके, एनीवे, सो कम्प्लीट वन बाय वन मैं क्विकली जाता हूँ, उसके बाद आपको चाहिए, आपकी लाइफ में जो भी होता है, जिस दिन आप समझ लोगे कि मैं ही 100% रिस्पॉन्सिबल है, तो आपकी ज़िंदगी बेस्ट हो जाएगा, राइट। आपकी ज़िंदगी तभी स्टार्ट होता है, पुनर्जन्म तभी स्टार्ट होता है। आप, मैं कहीं पे भी देखता हूँ, आप रिलेशनशिप, डाइवोर्स, फैमिली, बच्चा बराबर नहीं है, नो स्टडीज़ नहीं होता है, कामयाब नहीं है, बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, बीवी बराबर नहीं है, हस्बैंड बराबर नहीं है, कुछ भी हो लाइफ में, कुछ भी हो, उसका 100% आप रिस्पॉन्सिबल है। जिस दिन आपने इस बात को समझ लिया कि मेरा 100% रिस्पॉन्सिबल है, ये सबका जिम्मेदार मैं हूँ, आपकी ज़िंदगी तब से चलने पड़ेगी, राइट। आपका तभी आप सब कुछ ठीक कर सकते हो, राइट। मैंने भी ये बात को समझने के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत सारा डिफरेंस आ गया, राइट। पहले हमेशा उंगली दिखाते कि मैं किस तरह से हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड, इसके लिए मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आता उसके लिए सक्सेसफुल नहीं हूँ, मैं इस गांव से हूँ उसके लिए सक्सेसफुल नहीं है, मैं इधर से हूँ उधर से हूँ, ये करता हूँ, यू नो बैकग्राउंड मेरा फैमिली जैसा है, मेरा दोस्तों ऐसा है, ये गवर्नमेंट ऐसा है, यू नो ये सिटी ऐसा है, कुछ नहीं होता है, राइट। आप जो भी बोलते हो वही सिचुएशन से बहुत बहुत बढ़िया तर्क कामयाब हुए हैं बहुत लोग, आप खाली स्टोरी सुना के, यू नो ऐसा वैसा करके आप बच नहीं सकते हो, राइट। आप खाली अपने आप को झूठ बोल रहे हो, सच में कुछ भी करना है 100% यू आर रिस्पॉन्सिबल। मुझे कॉल करते हैं कि मेरा दोस्त लोग मुझे छोड़ दिए, रास्ते भर मुझे मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, मेरे को मुझे मेरे भाई ने मुझे ये कर दिया, मम्मी पापा ने मुझे छोड़ दिया, सब 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 आपकी जिम्मेदारी होता है, राइट। कहीं ना कहीं आप उस तरह का रहे होंगे, अगर वो गलत है, इसके पीछे और भी डाउट है तो मुझे बताइए, मैं इसमें आपको 100% आप रिस्पॉन्सिबल है उसका मैं बताऊंगा। हाँ, बहुत ही 1% कलामिटी से जहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टोटल बाकी सब चीज़ आपके ऊपर 100% रिस्पॉन्सिबल है, राइट। दैट्स वन। ओके, फिर सक्सेसफुल होने के लिए अवेयरनेस की भी वो ज़रूरत है, जैसे आप आपके पीछे कौन है, क्या हो रहा है, कहाँ पे, यू नो हर हर जगह पे सावधानी होना जरूरी है, एक एक सेकेंड।
गाड़ी चलाने टाइम, स्कूल कौन सा पढ़ रहा हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, अभी जो पढ़ रहा हूँ ये कितना काम आएगा, अभी टेक्नोलॉजी क्या है, आगे का रिक्वायरमेंट क्या है, मैं जिसे बात कर रहा हूँ मेरा फ्रेंड्स है उनसे मेरा ज़िंदगी आगे क्या जाएगा, मैं गलत सही पे हूँ, जय सही जगह पे हूँ, मैं क्या क्या अपना जानकारी ले रहा हूँ, हर जगह पे जो अवेयर, सतर्क यू नो, सावधान होना बहुत ज़रूरी है। सक्सेस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस अवेयरनेस, आप जितना ये करते हो। ओके ये है सेकेंड, ये भी कम से कम 1.5 घंटे का इसका डिटेल में है, समय कम होने से मैं आप भी नेक्स्ट बताता हूँ। यह है आपको कोई भी दुनिया में सक्सेस होने के लिए एक मेंटर गुरु की ज़रूरत है। बोलेगा कि मैं इधर उधर ठका के कहता हूँ, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, राइट। आप थोड़ा मोड़ा सक्सेस हो सकते हो, मैं ये नहीं मना करता हूँ, लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूँ आपकी जो मेंटर गुरु जो है। अच्छा, इनको कैसे चूज़ करेंगे आप कि ये मेंटर है नहीं है? उस तरह का गुरु होना चाहिए, मतलब उस तरह का उनके अंदर गुरु को आप कैसे चार्ज करेंगे। दुनिया में सबसे फ्री क्या मिलता है? एडवाइस। तो ये एडवाइस आपको सबसे लेना नहीं है, लेकिन जिससे भी लेंगे उससे पहले आपको चेक करना है कि आप जो उनसे एडवाइस ले रहे हो क्या उससे वो 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना आगे हैं। आप जो ढूंढ रहे हो क्या वो कर चुके हैं, क्या आप देख रहे हो क्या उनके पास है, बस इतना ही चेक करना है। अगर उनके पास है तो उनको फॉलो करो। एक्सपीरियंस है मेरा, 25 साल का तजुर्बा है मेरा, ये है वो, उससे कुछ नहीं होता है। उतना पैसा बनाया, उतना क्वालिटीज़ हैं, उतने उसने आप जो देख रहे हो, अभी शादी करके खुश होना है, आप किससे पास, किसके पास एडवाइस लोगे? जो 4 बार डाइवोर्स हो गए उसके पास नहीं, जो 50 साल खुशी है उनके पास। आपको लाख लाख रुपए कमाना है, किसके पास आके एडवाइस लोगे? जो चाय के लिए पैसा नहीं है उसके पास जाके? वो तो आपको एडवाइस फ्री में देगा, बहुत सारे एडवाइस देगा, उसको और काम धंधा नहीं है, लेकिन जो मेंटर है वो। अच्छा, सेकेंड, ये मेंटर को कैसे ढूंढना है, उनको जाके कैसे अप्रोच करना है, वो एक बात है। सेकेंड, वो आपको लेंगे क्या, वो एक बात है। आपको तो तरक्की करना है भाई, वो क्यों करेगा आपको, राइट। ओके, मेंटर आपको करेगा, आपको एडवाइस करेगा, तो उनका समय वेस्ट होगा, ठीक है। आप तो उनका कुछ फीस होता है, उनका कुछ चार्जेस, गुरु दक्षिणा होता है, वो आपको देने के लिए तैयार होना चाहिए, राइट। क्योंकि आप जो 10 साल 15 साल से सीख पाओगे वो आपको 1 साल में, 5 महीना 6 महीने में आपको सिखा देगा। ये 10 साल आपका बच सकता है, और क्या बच सकता है, तकलीफ़, जो पेन है ना, और आपकी जो समय है, जो ये दोनों बच सकता है, और ऊपर से पैसा। जो 10 साल इधर ठोकर मार मार के वो करते, लॉस करते लॉस करते लॉस करते आप जो कामयाब करोगे तब तक आपका बहुत सारे नुकसान हो रहेगा। हर कोई आके मुझे बिजनेस करने के लिए बोलता है, मेरे पास इतना रुपया, मैं करूं क्या? मैं पहले बोलता हूँ, पहले ये करो, बिना पैसा से पैसा कमाना सीखो, उसके बाद फिर पैसा से पैसा कमाना सीखो। अगर बिना पैसे से आप पैसा नहीं कमा पाते हो, आपकी कोई औकात नहीं है, आप पैसा डाल के भी पैसा कमा सकते हो। हाँ, चांसेस है बहुत कम लोग सक्सेस हो सकते हैं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो ये आपको मेंटोर, आपको जिस चीज़ में जो चाहिए उसके लिए गुरु मेंटर ढूंढना ज़रूरी है। मैं इतना साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, 15 साल 17 साल से, लेकिन जो चीज़ मुझे नहीं मिला, राइट, मैं इधर उधर देख देख के यूट्यूब इधर उधर देख देख के सो सीख रहा था, लेकिन फाइनली वो सक्सेस नहीं मिला जब मैंने मेंटोर ढूंढा और उनकी लाखों लाख रुपए फीस मैंने भरा, और उसके बाद मेरे लाइफ में चेंजेस आया, वो भारी चेंजेस आया, और पिक्चर क्लियर हो जाता है। यू नो, इधर उधर ढूंढने से आपका कभी पिक्चर क्लियर नहीं होता है। आगे स्लाइड से हम लोग देखते हैं कि 99% लोगों का सुनना नहीं चाहिए, वो कैसे, वो कौन है, वो आगे देखते हैं, लेकिन इतना है कि आपको समझ में आना चाहिए कि कौन है जो 1% जिनका सुनना चाहिए, राइट। ऐसा बहुत सारा है जिसकी वजह से आपका लाइफ सक्सेस हो सकता है। नेक्स्ट, एक दो स्लेट फिर मैं पास जाता हूँ। टीचेबल, आप देखिए, हमें नॉर्मली हम लोग ऐसा गलती करते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं। मुझे भी बहुत लोग कॉल करके एडवाइस पूछते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो एडवाइस देते हैं, एडवाइस लेते हैं या एडवाइस देने के लिए आए हैं, राइट। क्योंकि बात तो पूछने की है, लेकिन बहुत सारे बात बताते रहते हैं, और मैं उनको कुछ ऐसा सजेशन बताता हूँ तो उनको समझ में नहीं आता, वो वापस चालू हो जाते हैं, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। देखिए, जब आप किसी से एडवाइस सुनते हैं, आप गुरु के पास जाते हो, मेंटर के पास जाते हो, आपको चुपचाप जितना भी जहाँ जहाँ बंद करने का बंद करके चुपचाप गुरु का सुनना चाहिए। हाँ, पहले तो आपको डिसाइड करना है किसका सुनना चाहिए। एक बार आपने डिसाइड कर लिया इनका सुनना है, चुपचाप बोलते उड़ी मारो, उड़ी मारने का, राइट, जो करने का करने का। अब तो लिसनिंग पावर, और है ना, हमेशा सीखते ही रहना चाहिए। बोलते ना, जब आप बोलते हो मैं सीख लिया है, मुझे सब पता है, तो आप
वेजिटेबल बन गए हो, जैसे आपको उठा के खाट के खा लेंगे लोग। जब बोलोगे नहीं मैं बढ़ रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, तो कोई आपको काटेगा नहीं। ठीक है, आपको सक्सेस होना तो सीखते रहना चाहिए। आप अपने आप को बाप समझेंगे, मुझे सब कुछ आता है, ये आता है। आप देखिए आप फिर दुनिया में नंबर वन है कि नहीं है? नहीं है तो हमें सीखना पड़ेगा। हर जगह पे हर चीज़ें सीखते रहना चाहिए। हम्बल, ईगो नहीं, क्लैश नहीं, ऐसा बहुत सारे चीज़ें हैं। तो पहले ये काम हो जाएगा, आपका सक्सेस पक्का होगा। राइट, दैट्स एन नेक्स्ट एक स्लाइड। ये मीडिया के बारे में है। मीडिया, टीवी, सीरियल जितना भी है, ये आपका ज़िंदगी बदलने के लिए नहीं आए हैं। राइट, वो उनका धंधा करने के लिए आए हैं। वो उनका जो बिजनेस चलना चाहिए, उनको एडवर्टाइजमेंट मिलना चाहिए, उनका वो है। एक भी इतना खतरनाक बात बोलें ताकि आप देखते रहेंगे, माइंड हमेशा नेगेटिविटी की ओर बहुत चलता है। तो नेगेटिविटी के लिए वो चाहते हैं कि मुझे नेगेटिव ये दिखें, क्योंकि हमें कोई गलत होगा तो नज़र आता है, अच्छा वाला चीज़ नज़र आता है। मीडिया में कोई ये नहीं दिखाते हैं, बस इतना बजे गया, इतना बच्चे पहुँच गया, सब लोग सेफ घर पे पहुँच गया, ऐसा कभी न्यूज़ से आता है। कभी तो गड्ढे में गया, मर गया, एक्सीडेंट हो गया, ये चीज़ आता है। ये सुनते सुनते आप परेशान हो जाओगे। राइट, मीडिया के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा, लेकिन आप अगर मीडिया में काम करते हो तो अलग बात है। क्योंकि कई कई ट्रेनिंग में मैं इसके बारे में बात करता हूँ, तो कुछ लोग पत्रकार होते हैं, उनको बहुत बुरा आता है, बुरा लगता है। उनका बिजनेस है, वो कर सकते हैं। राइट, और किस तरह से न्यूज़ देना है, क्या देना है, वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन किस तरह से न्यूज़ देखना है, नहीं देखना, आपकी मर्ज़ी है। कौन सा एक्टर किसके साथ क्या चक्कर है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उस कौन सा पिक्चर कितना पैसा बनाया और अभी उसका फीस क्या है, इसके साथ किसका चक्कर है, कितना लड़का है, कितना लड़की है, क्या क्या करते हैं, इतना डिटेल आप जानते हैं। आपकी ज़िंदगी में आप जो काम कर रहे हो, आपकी बैकग्राउंड्स में आप कितना जानते हो? ओके, जिस इतना समय आप इनके ऊपर देते हो, उतना समय अगर आप अपने ज़िंदगी में देते हो तो बहुत आगे बढ़े। आप किस तरह का काम करते हो, उसमें नेक्स्ट डेवलपमेंट मुझे क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, मेरा पगार बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्वालिटीज़ बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ आप सोचते हो। ये सब होगा तभी आप कर सकते हो। सेकेंड, मीडिया में कोई भी ऐसा न्यूज़ बताते हैं कि हाँ ये अभी कर रहे हैं, आगे जाके ये ज़िंदगी में बहुत बनेंगे, ऐसा कभी दिखाते नहीं है। मीडिया हमेशा शॉर्टकट की बात करते हैं। जो सक्सेसफुल हो गया, जिसके बाद कामयाब हो गया, तभी जाके मीडिया वाले पूछते हैं, उससे पहले कोई जाता नहीं उसके पास। तो ये हमें एक ऐसा अलग देते हैं कि यू नो अचानक कोई रात रात बड़ा आदमी बन सकता है, ऐसा एक फील आता है। ये सच में ऐसा होता नहीं है। 10 साल, 15 साल, 20 साल मरने के बाद, काम करने के बाद कोई आदमी बड़ा आदमी बनता है। राइट, लेकिन ये मीडिया में खाली जिस दिन बड़ा आदमी बनते हो तभी न्यूज़ में आएगा, दूसरे दिन गायब हो जाओगे। एनी वे, माई पॉइंट इज़ दैट यू नो मैं कोई भी हाँ, खाली इतना देखना है कि एक 10 दिन, 15 दिन, 15 मिनट आज दुनिया में क्या हो रहा है, बस इतना है, उतना समय, उसके ऊपर नहीं। वो भी आपको वैसा देखना है जो आपकी सिटी का है, आपकी लेवल का न्यूज़ है, आपको जो काम आएगा वो न्यूज़ में ध्यान देना है। बाकी दुनिया भर का न्यूज़ में कोई लेना देना नहीं है, फालतू है। और इसे आपका ज़िंदगी में बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है क्या, आपका रिलेशन बढ़ने वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, एनी वे, सो मीडिया से कैसे दूर रहना है ये इंपॉर्टेंट है। मैं कोई व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं रहता हूँ, मैं व्हाट्सएप फेसबुक में हूँ, लेकिन ट्रॉलिंग, इसका फ़ोटो, उसका फ़ोटो, ये सब मैं ऐसा करता नहीं हूँ। राइट, कुछ लोग हर एक को यू नो मजाक उड़ा के वीडियो बनाते हैं। जो वीडियो बना के पैसा कमा रहे हैं उनके लिए वो ठीक है, लेकिन आप काम धंधा नहीं है, उसको देखते हो, उसको फॉरवर्ड करते हो, उसको प्रमोट करते रहते हो, आपको क्या मिलेगा उसमें? आपकी बैंक बैलेंस कैसे बढ़ेगी? आप क्या करते हो? राइट, थोड़ा खुशी, थोड़ा टाइम पास, उससे और क्या मिलेगा? राइट, आपको वही चाहिए या फिर सक्सेस चाहिए? ओके, सो और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आगे डिस्कस करता हूँ। राइट, तो मैं स्लाइड फटाफट जाता हूँ। इसमें से ये किस तरह का दोस्ती होना चाहिए उसमें है, हर एक पर्सनालिटी कैसे है उसके ऊपर, आप किस तरह का दोस्ती रखना चाहिए, सोच विचार कैसे होना चाहिए, बुक्स कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरह का चूज़ करना चाहिए वो वाला, सक्सेस के लिए ये रूल क्या होता है, कितना घंटा काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यू नो 99% होना चाहिए, डिस्काउंट ये वगैरह 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 वगैरह, ऐसा बहुत सारे एक एक स्लाइड्स का 40-40 मिनट्स, 1 आवर का डिटेल डिस्कशंस है, जो आपको प्रैक्टिकली बताएगा कि किस तरह का ज़िंदगी जीना है। लाइक हमेशा हम लोग ये चीज़ बताता हूँ, कंपार्टमेंट लेके करके जीते हैं। कंपार्टमेंट यानी कि आपको वेकेशन तो आप कहीं बाहर जाओगे, आप जिम जाना है तो जिम में जाओगे, फिर यू नो काम करना है तो ट्रेन पकड़ के 5 घंटा ट्रैवल करके आप काम पे जाओगे, ऐसा ज़िंदगी कंपार्टमेंट हो जाता है। लेकिन ये असली ज़िंदगी नहीं है। असली ज़िंदगी हर समय आप खुश रहते हो वो है। ये सभी चीज़ों को एक साथ आप मिला के जीते हो, वही आपकी हर डे वेकेशन होना चाहिए, हर हर दिन आपका वेकेशन होना चाहिए। आप
पैसा आपको एंजॉय करते करते कमाना चाहिए, राइट। जिम आपकी बॉडी बिल्डिंग वैसे ही साथ में, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपको जिम नहीं जाना चाहिए वो सब मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समर आइडियल लाइफ क्या होता है, राइट। हम लोग पुराने ज़माने में कैसे होते थे, यू नो अभी कैसे हैं, ये सब चीज़ें। कंपार्टमेंट लाइफ नहीं होना चाहिए, दैट्स वॉट दे से। यहाँ तक कि ये बोलते हैं कि हर एक क्लास का अलग अलग नहीं होना चाहिए, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकेंड स्टैंडर्ड कंपार्टमेंट होना चाहिए, नहीं चाहिए, मिक्स होना चाहिए ताकि एक दूसरे को ऐसा सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे। मेरी जो बातें हैं आपको बहुत अजीब सा लगेगा या मिलेगा क्या फालतू कर रहे हैं ना ऐसा, लेकिन ये मेरी बात नहीं है। आप जितना भी मेंटोस है, आप जितना मिलीनियर्स है, बिलीनियर है, ये उनकी सोच है, राइट। आपके जितना भी मिलीनियर बिलीनियर है, सब स्कूल ड्रॉप आउट है, हाई हाई स्कूल ड्रॉप आउट है। 77% सक्सेसफुल, आई मीन बिलीनियर मिलीनियर और स्कूल ड्रॉप आउट है, सर्ट थिंग्स, राइट। क्यों वो कुछ अलग ही सोच के कुछ करते हैं। एनी वे, मैं उसमें आपको इसमें इंटरेस्टेड है तो हम आगे इसमें मैं डिटेल बात करता हूँ, ओके। नेक्स्ट, बहुत सारे कैलकुलेटर है, डे एंड मून, 30% लिविंग स्टार, सिक्स इट्स वन ओ सिग्मा, क्लॉक मैक्सिमाइजर, ये सब चीज़ें हैं। पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम क्या होता है, क्विडिपोलॉजी क्या है, यू नो ये सब सारे हैं। एक 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 बार आपने ये सब चार चीज़ सीख लिया तो आप बस बेस्ट आर्म हो जाएंगे, मतलब आपके साथ पूरा हथौड़ी वितौड़ी जो मारने का तैयार हो गया, आप ज़िंदगी को फेस कर सकते हो, कभी भी कहीं पे भी आपको लफड़ा नहीं आएगा, आप एकदम क्लियर कट डिसीजन ले सकते हो, समझ सकते हो, राइट। लास्ट स्लाइड्स है ये, बहुत सारे 100 स्लाइड्स हैं, मैं आपको सब थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूँ, अभी जब टाइम मिलेंगे मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। ये जो रीड पीपल फास्ट, लोगों को अच्छी तरह से समझ लो, जल्दी समझ लो, राइट। बहुत सारे प्यार करते हैं, 5 साल का, 6 साल का, शादी करने के बाद 1 साल में डिवोर्स, ओके। या दोस्ती है हमारा, 10 साल का दोस्ती है लेकिन उसने ऐसा गद्दारी किया मुझे पता नहीं था, राइट। कैसे होता है ये सब चीज़, क्योंकि आपको अब सामने वाले को देख के 5-10 मिनट में समझना चाहिए किस तरह का आदमी है, या फिर चलते चलते समझ में आना चाहिए ये इसका, ये दोस्ती मुझे एक बार बर्बाद करेगा, राइट, या दोस्ती बराबर नहीं है, ये दोस्ती अच्छा है, ये आदमी अच्छा है। ऐसा आपको जिस दिन आपको समझ में आएगा उस दिन आपका सक्सेस आसमान छुएगा, राइट। क्योंकि आप ज़िंदगी लोगों के साथ है तो आपको लोगों को पहचान आना चाहिए। अच्छा, ये सब पहचानने से आपको क्या क्या बचेगा, एक तो आपका समय बचेगा, एक दिल टूटता है ना परेशान पेन ये बचेगा, आपका समय बचेगा, आप सही लोगों के साथ बहुत पहले से हो, आगे चल के बहुत सारे साम्राज्य आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन गलत लोगों के साथ है आगे जाके वो कभी भी ठोकर मार के चला जाएगा, आपको गद्दारी, आपके साथ गद्दारी करेगा। ये सब चीज़ कैसे पहचाना है ये भी हम लोग देखते हैं, राइट। ये सब मैं सिखाते सिखाते अभी तक नॉर्मली मैं एक 20-22 साल का एक्सपीरियंस है, और मैंने बहुत ही मिडिल क्लास से मुझे जो ज़िंदगी में चाहिए मैंने पाया है, राइट। द पॉइंट इज़ यर, यू नो मैंने ये सब चीज़ कैसे किया है, करीब 55 कंपनीज को कॉर्पोरेट ट्रेनिंग किया है, 30,000 लोगों को मैंने अभी तक ट्रेनिंग किया है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, राइट। वामन एडवर्टी, चिंतामणि डिजिटल, क्लासिक पोलो, ITC, फ्यूचर ग्रुप, बिग बाजार, यू नो ये सब, मारुति, हीरो, चौले, सब सब, ओके। सो ये सब से मैंने कुछ सीखा है और ये सब चीज़ मैं बताता हूँ लोगों को, और मैं इमीडिएट उनकी ज़िंदगी में चेंजेस देख रहा हूँ, राइट। किसी को ट्रेनर बनना है वो बन जाते हैं, हाई पेड ट्रेनर बनना है, मुझे फालतू चीज़ थोड़ा 1,000, 2,000, 5,000 में काम नहीं करना है तो वो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं सिखाता हूँ, और खाली मुझे सेवा करना है वो अलग बात है। उनकी ज़िंदगी में प्यार का तकलीफ़ है, फ्रेंडशिप तकलीफ़ है, पैसा तकलीफ़ है, फैमिली मेम्बर्स की तकलीफ़ है, बहुत सारे तकलीफ़। मैं अकेले सीखने से अच्छा इनसे, इनकी जो तकलीफ़ मेरे पास आती है उससे मैं ज़्यादा सीखा हूँ, उस उनकी जो तकलीफ़ है और मेरा फॉर्मूला उसे कैसे सॉल्व करता है और उनकी ज़िंदगी कैसे चेंजेस हो जाता है वो मैंने हज़ारों हज़ारों टेस्टिमोनियल रखा है, आपको यूट्यूब सब जगह में मिल जाएगी मेरा टेस्टिमोनियल्स। कमिंग टू द पॉइंट, मेरे कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं, ये मेरे स्टूडेंट है, जब मैं ट्रेनिंग होता था तो मुझे आके बताते कि सर आप सेलिब्रिटी जैसे हो, हर लड़की आपसे बात करते हैं ना, आपके साथ फ़ोटो निकालते हैं सब, मेरे को भी, आप मेरा कंपटीटर हो। मैं बोला कंपटीटर नहीं, मैं गुरु हूँ, मैं मेंटर हूँ और आप कलीग्स हैं, दोनों का डिफरेंस है। बोला मुझे भी ट्रेनर बनना है, ओके फाइन। तब से मेरे इनको ट्रेनिंग के लिए मैंने स्टार्ट किया, तब से आज ये बहुत बड़ा ट्रेनर है, काफ़ी लोग इनको फॉलो करते हैं और इनका यूट्यूब चैनल भी है, लाइफ स्किल मानिया, ओके। एनीवे, लाइफ कैसे चेंज होता है देखिए, राइट। तो ये आज भी मुझे हर मोड पे, हर जगह पे मुझे कॉल करके पूछता है, मैं उनको गाइडेंस करते रहता हूँ। सो ये जो माइंड सेट है इसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँच सकते हो, राइट।
सेकंड इनको बिजनेस वुमन बनना था, इनका शोरूम्स है सक्सेसफुल वुमन है, राइट। इन इनके लिए भी मेंटर है, हर चीज़ के लिए मैं इनको गाइडेंस देते रहता हूँ। ऐसे मेरे बहुत सारे लोग हैं, ये हैं, इनको फैकल्टी बना था, फैकल्टी हो गया है। और हम लोग एक जैक कॉर्नफील्ड का बुक है ना, जिसमें बोलते हैं कि आपको जो करना है ज़िंदगी में 20 ईयर्स के बाद जो होगा आज आप डिसाइड करो, और ऐसा जीना चालू करो कि आज आप बन गए हो। ओके, ये मैं एक्टिविटीज़ हमेशा मेरे क्लास में करता हूँ, मेरे जो ट्रेनिंग इसमें करता हूँ। सो वहाँ पे जिसका भी 15 साल 20 साल के बाद जो टारगेट था, वो सब ने 8 महीना 1 साल में उन्होंने अचीव किया। नाउ दैट्स अ सरप्राइजिंग फैक्ट। अगर सो ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो मैं ये ट्रेनिंग्स में आपको बताऊंगा। उसके अलावा मैं पब्लिक स्पीकिंग का ट्रेनिंग भी देता हूँ, जो लोगों को आगे सबके सामने बात करना अच्छा नहीं लगता है, यू नो, डर लगता है, उनको मैं ऐसा दूर करता हूँ, ये है। उसके बाद ये MBBS डॉक्टर हैं, इनको भी थोड़ा सा डर था सबके सामने बात करने, अभी ये बहुत सारे फंक्शंस अटेंड करते हैं, अवार्ड मिलता है, स्पीच सब होता है। ये अपना इंजीनियरिंग, इनको मैंने यू नो, ये 7वीं में कहीं पढ़ने के टाइम, कोई स्टेज में बात करने के टाइम उनको तकलीफ हुआ था, तब से वो बात करना डरते थे इसके लिए। और मेरा ये इंजीनियरिंग प्रोफेसर, कॉलेज प्रोफेसर है, इनको मैं, प्रोफेसर अलग है लेकिन ट्रेनिंग देना अलग होता है, राइट। प्रोफेसर में आपको जाके लेक्चर देना आना होता है, कोई सुना नहीं सुना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्रेनिंग में आप लोगों को ज़िंदगी चेंज होना चाहिए, राइट। उस तरह का उनको पसंद आना चाहिए, वो सब चीज़ करना चाहिए। मैं इनको कोच कर रहा हूँ अभी इनका, और ये सब मेजर कुछ ट्रेनिंग्स का फोटोज है। यहाँ पे ज्वेलरी चिंतामणि वामन रिपीट PNG कार्डगल, ये जितना भी ज्वेलर्स हैं, उसमें आप देखेंगे 30-40% या 50% एम्प्लॉयज़ मेरा स्टूडेंट है। आप कहीं पे भी जाओगे पता चलेगा, राइट। सेकेंड, उसके अलावा मैं लाइफ स्किल सेशंस करता हूँ ऑल ओवर इंडिया, ये है। और मेरे ट्रेनिंग एक बार इसका फोटोज़ भी आता है, आया था इसमें, मेरा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होता है इसमें, बिजनेसमैन, मिलिट्री ऑफिसर्स और प्रोफेसर्स, ये सब मेरे ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। और एक आध बार टीवी में भी आऊँ, मेरा डिस्कशंस होता है। और मैं स्कूल्स, कॉलेजेस, बांद्रा पॉलिटेक्निक कॉलेज, यू नो, इंजीनियरिंग कॉलेज, SAES कॉलेज, अपना VIT विद्यालंगर कॉलेज, ये सब जगह पे मैं ऐसा स्पीकर, ये सब मैं जाता हूँ, और मेरा ट्रेनिंग ये सब है। ये मेरी बेटी है, ये भी ट्रेनर है, ये भी ट्रेनिंग देते हैं स्कूल्स में, से क्या क्या पर्क वगैरह मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा स्किल्स है, ये लाइफ स्किल्स जो है, आप गूगल में देखेंगे आपको बहुत सारे लाइफ स्किल्स ही वेरी इंपॉर्टेंट है। और आज की जो स्कूल का स्ट्रक्चर्स है, ये हमें कामयाब नहीं बनाता, हमें कई, यू नो, लोग इतना पढ़ने के बाद भी मार्क कम आया सुसाइड करते हैं। तो आपने पढ़ा क्या स्कूल्स में? ओके, आपने क्या इंटेलिजेंस पढ़ाया, राइट। और यहाँ पे टीचर्स का बहुत डिमांड है, क्योंकि टीचर्स बनने से लोग बहुत, गवर्नमेंट स्कूल्स, बड़ा स्कूल्स है वहाँ पे पगार अच्छा मिलता है, अदरवाइज़ बाकी टीचर्स को बहुत ही कम पगार मिलता है, क्योंकि डिमांड कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है इसकी वजह से। लाइफ स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके अलावा बाकी आपको पढ़ाई बस आपकी जो सर्वाइव करेगा, सर्वाइव मतलब कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी आपको, आपकी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी, यू नो, वो चलते रहेगा। लेकिन आपको बहुत बड़ा कामयाब करना है ना, आसमान छूना है, सब कुछ करना है, तो आपको सिर्फ पढ़ाई की भरोसे नहीं रह सकते हो, आपको बहुत सारे एक्टिविटीज़, आपको बहुत सारे चीज़ करना पड़ेगा। सो आई एम, सी इज़ अ ट्रेनर एंड सी डज प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड एवरीथिंग इन द कॉलेजेस एंड द सेमिनार्स एंड। ओके, ये मेरे कुछ ट्रेनिंग से फोटोज़ हैं। आपको अगर इसके बारे में और डिटेल चाहिए, मैंने जितना भी टॉपिक बताया उसमें कहीं पे भी आपको कुछ तकलीफ़ है, कुछ है, प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको ये सर्वे आप फिल कर सकते हैं। अगर उसमें आप क्वालिफाइड हैं, मैं आपको हेल्प करूँगा, आपकी जो तकलीफ़ है उसमें मैं सपोर्ट करूँगा। मनी का प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, आपका हेल्थ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन अगर आप हैबिट्स है या फिर आपका जो भी है उसमें से आपको तकलीफ़ होता है वो वाला, कहीं पे आपका लाइफ स्टक है, लव में, फैमिली में, रिलेशनशिप में स्टक है वो वाला, या आप कभी, आपने खुशी का नहीं है एकदम, ऐसा बकवास ज़िंदगी जीते हो, जो भी है, हर चीज़ के लिए आपको तकलीफ़ होगा। सेकंड, इसके अलावा आपको ट्रेनर बनना है, राइट। आप जो भी बताए इसमें आप एक्सपर्ट हो, आपको बहुत कुछ आता है उस मामले में, और आप दुनिया को हेल्प करना चाहते हो, दुनिया को ट्रेनिंग देना चाहते हो, वो भी हो जाएगा यहाँ पे। और मैं ऐसे ट्रेनिंग्स करता हूँ जहाँ पे पीपल पे अ लॉट ऑफ अमाउंट फॉर द ट्रेनिंग्स, ये कैसे करना है, कैसे क्लोज करना है, कैसे बातें करना है, इन लोगों को कैसे आपके साथ अट्रैक्ट करना है, आपके साथ
क्यों आएंगे वो, ये सभी चीज़ इस श्रेणी में होगा। ठीक है, आपको इंटरेस्टेड है, आप अगर ये सब चीज़ें हैं तो यू जस्ट मेंशन ये जो स्ट्रैटेजी का जो सर्वे है आप फिलअप करिए। अगर उसमें आप क्वालिफाइड हैं तो आई विल कॉल यू एंड वी कैन हैव अ 40 मिनट्स, हाफ एन आवर 40 मिनट डिस्कशन। दो कंडीशन में, आप भीड़ जगह पे फ़ोन मत उठाइए जो भी टाइम आपका फिक्स होगा। सेकंड, आप कॉल में जो टाइमिंग है वो टाइमिंग में आपको आना पड़ेगा। एक बार आपका सर्वे फिल होगा सो दोबारा रीशेड्यूल नहीं होगा। ओके, थैंक यू, सी यू सून।